गाइस दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें आप नॉर्मली नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर उन जीवों के अंदर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो आप उन्हें जरूर पहचान लेंगे, क्योंकि ये एनिमल्स इनविजिबल एनिमल्स होते हैं जिन्हें आप आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। और गाइस आपने इन्हीं इनविजिबल एनिमल्स में से किसी एक ऐसे एनिमल का नाम सुना है जो कि पानी में रहकर अपना रंग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत ही तेजी से चेंज कर लेता है? और गाइस हमारी दुनिया में एक ऐसी इनविजिबल फिश भी पाई जाती है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है और कोई भी व्यक्ति पानी इस फिश को आसानी से नहीं ढूंढ सकता। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी आंखों के सामने रहते हुए भी इनविजिबल रहते हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है मिमिक ऑक्टोपस। गाइस मिमिक ऑक्टोपस समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक ऑक्टोपस में से एक है, क्योंकि इस ऑक्टोपस को खुद को छिपाने की एक अलग ही खूबी है। वैसे तो यह ऑक्टोपस गहरे भूरे रंग का होता है, लेकिन जब भी इस ऑक्टोपस को किसी बड़े समुद्री जीव से खतरा होता है तो यह ऑक्टोपस अपना रंग बहुत ही तेजी से चेंज कर लेता है। अगर यह ऑक्टोपस किसी हरी भरी घास के ऊपर बैठ जाए तो यह उसका रंग और रूप दोनों ही अपने ऊपर कॉपी कर लेता है। यह ऑक्टोपस ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके शरीर के अंदर एक अलग ही तरह की ग्रंथि पाई जाती है जो कि इसको आसपास के रंगों में बदलने में मदद करती है। और कहा जाता है कि जब भी यह ऑक्टोपस गुस्से में होता है तो इस ऑक्टोपस का रंग खुद ब खुद लाल हो जाता है, और जब ये डरा हुआ होता है तो इसका रंग सफेद हो जाता है। और रिसर्चर्स का कहना है कि ये ऑक्टोपस अपने सोते समय में सपने भी देखता है क्योंकि इस ऑक्टोपस के सोते समय इसका कलर भी चेंज होता रहता है। अपनी इसी इनविजिबल एबिलिटी की वजह से ये ऑक्टोपस समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जीवों से बचा रहता है। नंबर 9 पर है लीफ टेल्ड गेको। गाइस जंगलों में तो बहुत सारे अजीबोगरीब एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे रेयरेस्ट एनिमल को देखा है जो कि देखने में बिल्कुल ही एक सूखे हुए आम के पत्ते की तरह दिखाई देता है? जी हाँ गाइज, अभी जो आप स्क्रीन पर इस गेको को देख रहे हैं ये एक ऐसा एनिमल है जो कि बिल्कुल ही एक सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है। अगर ये गेको किसी सूखे हुए पत्तों की डाली पर बैठ जाए तो उस डाली पर से इस एनिमल को पहचानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमल अपनी इसी इनविजिबल एबिलिटी की वजह से अपना शिकार बहुत ही आसानी से कर लेता है। कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसके पास आकर बैठ जाते हैं और ये उनका शिकार कर लेता है, क्योंकि उन कीटों को कुछ पता ही नहीं चलता कि उनके पास उनका शिकार करने के लिए कोई शिकारी भी बैठा है। कोई भी इंसान इसकी बॉडी को टच करके भी नहीं बता सकता कि ये कोई गेको है या किसी पेड़ का सूखा हुआ पत्ता। और इसी के साथ ही साथ ये गेको खतरा महसूस होने पर किसी भी ब्रांच के साथ ऐसे फ्रीज हो जाती है जैसे वो यहाँ है ही नहीं। नंबर 8 पर है ओक लीफ बटरफ्लाई। गाइज अभी जो आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं ये कोई सूखा हुआ पत्ता नहीं है बल्कि एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई बिल्कुल गेको की तरह ही होती है क्योंकि ये भी एक सूखे हुए पत्ते की तरह ही दिखाई देती है। आप में से शायद ही कोई होगा जिसने इस बटरफ्लाई को अब से पहले कभी देखा होगा। अगर आप इस बटरफ्लाई को देखोगे तो ये बटरफ्लाई किसी पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह दिखाई देती है। अब आप लोग इस बटरफ्लाई को बाहर से देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बटरफ्लाई तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रही है, लेकिन सच में ये बटरफ्लाई बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही ये अपने पंख खोलती है तो इसके अंदर के पंख बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। और ये बटरफ्लाई दुनिया की सबसे रेयरेस्ट बटरफ्लाई में से एक है, जिसे ढूंढना घास में गिरी हुई सुई को ढूंढने जैसा होगा, क्योंकि इस तितली को ढूंढने के लिए खुद जंगल में जाकर आपको जमीन पर गिरे हुए पत्तों को छूकर देखना पड़ेगा, तभी आप इस तितली को आसानी से पहचान सकते हैं। नंबर 7 पर है द राइट आई फ्लाउंडर। गाइस ये फिश एक ऐसी फिश है जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। इस फिश की पीछे की साइड को आप आसानी से देख सकते हैं और इस फिश के पानी में तैरते समय इसके आर पार देखा जा सकता है। और ये फिश ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है, इसीलिए ये फिश इतनी ज्यादा फ्लैट होती है। और ये फिश ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ खुद को मिट्टी में बहुत ही आसानी से छिपा लेती है, और मिट्टी में छिपने के बाद तो इस फिश को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अपनी इसी एबिलिटी की वजह से ये अपने शिकार को बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है और खुद समुद्री जीवों से शिकार होने से भी बच जाती है। जब एक फ्लाउंडर का जन्म होता है तो ये खुद एक लार्वा होती है और अडल्ट एज तक पहुंचते पहुंचते इसका साइज बड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ही साथ ये समुद्र में तैरते तैरते अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर सकती है। नंबर 6 पर है लेप्टोसेफलस। गाइस समुद्र में जब भी कभी मछलियां अंडे देती हैं तो उन अंडों से बच्चे निकलने तक इन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जैसे दूसरी मछलियों का भोजन बनना। लेकिन समुद्र में एक ऐसा जीव भी है जो कि इन सभी मुसीबतों से बहुत ही आसानी से छिप जाता है। लेप्टोसेफलस एक समुद्री जीव है जो कि दिखने में तो बिल्कुल ही एक मछली की तरह दिखाई देता है, लेकिन यह कोई मछली नहीं है। जब लेप्टोसेफलस अंडों से बाहर निकलता है तो इसे दूसरी मछलियों से कोई भी खतरा नहीं होता क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे कोई भी समुद्री जीव इन्हें आसानी से नहीं देख पाता है। ये बच्चे इस हालत में कई महीनों तक रहते हैं जब तक कि ये खुद अपनी सुरक्षा करने के काबिल न बन जाए। जैसे
जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे इनके शरीर से ये ट्रांसपेरेंसी खत्म होती चली जाती है और ये पानी में आसानी से विजुअल होने लगते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो कि इन्हें प्राकृतिक तौर पर मिली है। नंबर 5 पर है सल्फा मेजोरी। सन 2014 में स्ट्रॉइड फ्रीजर नाम का एक फिशरमैन न्यूजीलैंड के समुद्री तट से 70 किलोमीटर दूर फिशिंग कर रहा था, तब उसने वहां एक ऐसी अजीब सी फिश को पकड़ा जिसके शरीर के अंदर स्केलेटन थे, लेकिन यह फिश एक जेलीफिश की तरह दिख रही थी। यह फिश इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी कि इस फिश को साफ पानी में देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। गाइज, यह फिश आज के समय में ज्यादातर साउदर्न ओशियन में पाई जाती है। गाइज, इस इनविजुअल फिश को देखने के बाद आपको क्या लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4 पर है पिंक विंग्ड स्टिक। गाइज, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनका कलर पेड़ की पत्तियों और शाखाओं से मिलता हुआ होता है, जैसे कि हम अभी पीछे वीडियो में देख ही चुके हैं। इसी तरह पिंक विंग्ड स्टिक क्रिएचर भी एक ऐसा ही क्रिएचर है। इस क्रिएचर की खासियत यह है कि ये किसी भी जगह पर इनविजुअल हो सकता है, और इसी के साथ ही साथ इसके अंदर एक और खासियत है, जब भी इसे किसी जानवर या किसी भी चीज से खतरा महसूस होता है तो यह क्रिएचर इस तरह की एक्टिंग करने लगता है जैसे कि ये मर गया हो। ये क्रिएचर अपने शरीर से कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। ये ज्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाया जाता है। नंबर 3 पर है गोल्ड बग। गाइज, यह गोल्डन बग पूरी तरह से तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन इसके सेल के ऊपर की रिंग ट्रांसपेरेंट होती है। इसका मकसद इसके अंदर से आने वाले पैटर्न को रिवील करना होता है। यह पैटर्न शिकारी जीवों को एक वार्निंग देने का काम करता है, और इस बीटल को खाने वाला शिकारी जीव ऐसे पैटर्न्स को देखकर इससे दूर भागना ही पसंद करता है। दुनिया भर में इस बीटल की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि आपको इसके सेल के ऊपर अलग अलग तरीके के भी बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। ये बीटल्स खुद तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इन्हें नुकसान पहुंचाने वाला इनसे दूर ही रहना पसंद करता है, और जब इन गोल्डन बग्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगते हैं। नंबर 2 पर है सी एंजल्स। गाइज, अभी जो आप स्क्रीन पर इस ब्यूटीफुल क्रिएचर को देख रहे हैं, इसे सी एंजल के नाम से जाना जाता है। यह स्मॉल क्रिएचर ज्यादातर ठंडे पानी में पाया जाता है, और ये ज्यादा से ज्यादा अटलांटिक ओशियन में ही देखने को मिलता है। सी एंजल्स की लंबाई 2 इंच तक होती है, और ये अपना ज्यादातर वक्त समुद्र की गहराइयों में ही बिताते हैं, इसीलिए इन्हें देख पाना इतना आसान नहीं है। इनके 2 विंग्स होते हैं जिनकी मदद से ये आसानी से पानी के अंदर तैर पाती है, और इसी के साथ ही साथ ये पानी के अंदर ट्रांसपेरेंट भी होती है। तो गाइज, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ग्रेट री फ्रॉग। गाइज, ये फ्रॉग्स की एक ऐसी प्रजाति है जो कि आमतौर पर पेड़ों के ऊपर रहना पसंद करती है, और ये फ्रॉग्स अपने बॉडी का कलर बदलने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये जिस भी पेड़ के ऊपर बैठते हैं ये उसका पैटर्न और उसका कलर अपने शरीर के ऊपर कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जंगली जानवर इस फ्रॉग को नहीं देख पाते। यह फ्रॉग ज्यादातर अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कनाडा में पाया जाता है, और इस फ्रॉग का कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है, और इसी के साथ ही साथ इस फ्रॉग का साइज 2 इंच तक होता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स में से सबसे बेस्ट एनिमल कौन सा लगा, और क्या आपने इनमें से किसी भी एनिमल को अपने रियल लाइफ में देखा है? अगर देखा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।